पांडे जी तुम 5 फ्लोर चढ़ते हो, तुम्हारी सांस नहीं फूलती? ना ही कहा फूले हो सर जी, रोज खाई पीट है, रियाज हो गया था आसाराम बाबू से ज्यादा। अच्छा, आसाराम बाबू के फैन हो आप? उनसे ज्यादा रियाज हो जाता है। मतलब आसाराम बाबू आपको ताकत दे रहे हैं? आसाराम बाबू का ताकत दे ही, आसाराम बाबू हमें खुद दे दी ताकत। लेकिन मैं आप सबको बता दूं भाई, ये गाना इतना रिलेटेबल होगा उन लोगों के लिए, मतलब सबसे पहले मोस्ट कॉमन जिसको लड़की छोड़ गई, ठीक है, और देन आपके घर वाले अगर आपको नहीं समझते हैं, दूसरी चीज़ मतलब बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं यार कि घर वाले नहीं समझ रहे, बाहर वाले आपको नहीं समझ पा रहे, मतलब आपके दोस्त नहीं समझ पा रहे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। सो बहुत रिलेट करोगे इस सबसे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, कैसे हो आप सब? आई होप सो सब अच्छे होंगे। तो अभी मैं आ चुका हूँ ऑफिस से वापस और आज है मेरा ऑफ, और अभी मैं जा रहा हूँ अपने 5वें फ्लोर पे। तो आज आप सबको दिखाता हूँ कि मेरा फ्लोर सच में 5वें फ्लोर पे है। तो अभी ये ग्राउंड फ्लोर से हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे, और आज मैं पता नहीं कितने दिन बाद ब्लॉग बना रहा हूँ। ये देखो, ये है फर्स्ट फ्लोर 104 एंड सेकेंड फ्लोर 204। देख लिया आपने, अभी तो और ऊपर जाना है। हाँ, तो आज मैं बहुत टाइम बाद ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, बनाना तो ये ब्लॉग बहुत पहले था, पर मैंने सोचा कि कुछ और करते हैं। ये आ गया अपना थर्ड फ्लोर, और अभी तो और चलना है। अब पता, इंसान की सांस ना फूले तो क्या होता, और ऊपर से आज मेरे माइग्रेन का दर्द बहुत हो रहा है। और ये देखो ये कैसे कूड़ा फैला हुआ है, अरे सॉरी, ये तो 404। अब बताओ, पीजी की वजह से लड़े ना तो क्या करें। हे भगवान, पहले 2 किलोमीटर चल के आया, फिर अब 5वें फ्लोर पे चढ़ा, एंड फाइनली ये आ गया छत, देख लो। सो मेरे हाथ में पेंट आती पहले। सो आज का प्लान ये है कि पहले मैं जा रहा हूँ सोने, सोने के बाद देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि माइग्रेन का दर्द हो रहा है मेरे बहुत तेज़। तो पहले मुझे चाहिए नींद, एंड मैंने गाना सुना था बहुत दिन, मतलब 3-4 दिन पहले, और वो मुझे बहुत पसंद आया, तो मुझे लगता है कि उस गाने पे मुझे रिएक्ट करना चाहिए। तो आज करेंगे उस गाने पे रिएक्ट, और मिलते हैं आगे, कुछ भी कर सकता हूँ मैं, मुझे खुद नहीं पता। सो मिलते हैं आगे। सो गाइज, अभी मैं आ चुका अपने रूम में वापस, और मेरे रूम मेट अभी उठे हैं दरवाज़ा खोलने के लिए। सो मैं अभी इनसे बात कर ली, अब नींद हो गई तो ख़राब भाई, खराब क्या करूँ, मैं सोया था जस्ट थोड़ी देर। तो अभी मैंने प्लानिंग की है अभिनव भाई से कि अब हम एक पॉडकास्ट बनाएंगे। तो अभिनव भाई, आपको मेरा इंटरव्यू लेना पॉडकास्ट में, लेकिन क्वेश्चंस लिखना छांटना, और मैं आपको 2 दिन पहले बता दूंगा कि पॉडकास्ट शूट करेंगे, और मुझे बिल्कुल नहीं पता पॉडकास्ट किस लिए शूट करेंगे, मुझे इस पहिए नहीं पता भाई, लोगों को पता चलना चाहिए ना मेरे बारे में। क्या पता लगाना, इतने सारे लोग तो तुझे जानते हैं वैसे, और कितने लोगों को जानना है भाई? कम से कम 10 करोड़। 10 करोड़? कम से कम 10 करोड़, यानी 100 मिलियन। 100 मिलियन, 10 मिलियन होते हैं 1 करोड़। 1 करोड़ नहीं, 1 मिलियन होता है 10 लाख, 10 मिलियन, हाँ ठीक है 100 मिलियन। तो कैलकुलेशन नहीं आती तेरे को? ठीक है यार, अब तो एक नहीं रहा, मैं 5 माले चढ़ के आया हूँ। सो क्या मेरी शक्ल की भी लेता रहेगा हर समय? मेरे को इधर टॉप एक बना दिया आपने, उसका कंटेंट का लाइट नहीं आ रही। हाँ लाइट नहीं आ रही। तो गाइस, जस्ट अभी मैं सोकर उठा हूँ, 4 बज रहे हैं, और मैंने लैपटॉप खोला कि चलो अब सॉन्ग पे रिएक्ट करेंगे भाई, एंड अभी लैपटॉप क्या कह रहा है ये देख लो। मैं यहाँ पासवर्ड डाल देता हूँ, ये डाल दे पासवर्ड, ध्यान से देख लो। मुझे इसे कम से कम 2 घंटे ऑन रखना पड़ेगा तब ये चलेगा, मतलब मैं लैपटॉप बहुत कम चलाता हूँ, तो अब इंतज़ार करो। मैंने सारा सेटअप बैटअप निकाल लिया था, ट्राईपॉड माइक वगैरह सब कुछ रिएक्ट करने के लिए, अब इंतज़ार करना पड़ेगा और क्या है। लेकिन मैं आप सबको बता दूं भाई, ये गाना इतना रिलेटेबल होगा उन लोगों के लिए, मतलब सबसे पहले मोस्ट कॉमन जिसको लड़की छोड़ गई, ठीक है, और देन आपके घर वाले अगर आपको नहीं समझते हैं, दूसरी चीज़ मतलब बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं यार कि घर वाले नहीं समझ रहे,
बाहर वाले आपको नहीं समझ पा रहे, मतलब आपके दोस्त नहीं समझ पा रहे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। सो बहुत रिलेट करोगे इस सबसे, बट अब 2 घंटे वेट करना पड़ेगा, 2 घंटे के बाद दोबारा रिएक्शन चालू करेंगे। तब तक के लिए क्या करूँ यार, चलो तब तक के लिए पुशअप मार के आते हैं। मैंने बहुत दिन से, मतलब अभी कुछ दिन पहले पुशअप मारे थे, लास्ट मैंने 35 मारे थे, देखते हैं अब कितने मार पाऊँगा। सो चलो चलते हैं, अभी मैं बाहर आ गया हूँ और अब कैमरा वैमरा सेट करते हैं और पुशअप लगाएंगे। सो चलो गिनना भाई कितने लगाएंगे, तो मिलते हैं। गाइस फाइनली 40 पुशअप मार दे, 35 बिना रुके और 35 के बाद मैंने थोड़ा गैप ले लिया। बाकी मैंने सिर्फ वीडियो के चक्कर में 40 मार दिए, सच में मैंने लास्ट 35 मारे थे और बस मार दिया मैंने वीडियो में तुम लोग को दिखाने के चक्कर में, और कुछ नहीं है। सही है भाई, तुम लोग को दिखाने के चक्कर में लिमिट पुश हो रही है। वो पीछे बादल कितना बढ़िया हो रहा है यार, ऐसा लग रहा है भगवान नीचे उतर रहे हैं। सो अब 2 घंटे इंतज़ार करते हैं और मिलते हैं। सो गाइस ये हमारे पांडे जी पानी की बोतल भर रहा है। पांडे जी तुम 5 फ्लोर चढ़ते हो, तुम्हारी सांस नहीं फूलती? ना ही कहा फूले हो सर जी, रोज खाई पीते हैं, रियाज हो गया था आसाराम बाबू से ज़्यादा। अच्छा आसाराम बाबू के फैन हो आप? उनसे ज़्यादा रियाज हो जाता है, मतलब आशाराम बापू आपको ताकत दे रहे हैं। आशाराम बापू का ताकत दे ही, आशाराम बापू आवे हम दे 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 ताकत। आशाराम बापू का दे ही हमका ताकत। तो तुम जो मेरे को लोग देखते हैं उनके लिए क्या बोलना चाहोगे? क्या जो लोग मेरे को, मतलब मेरी वीडियो देखते हैं उनको क्या बोलना चाहोगे? अरे आपको बधाई देना चाहते हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा तो बधाई देना चाहते हो आप मुझे? चलो पांडे भाई से याद पे धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। अब तो मेरे नेक्स्ट व्लॉग में तुम्हें मिलाऊंगा मैं सबसे। तो गाइस ये हमारे पांडे भाई, और पांडे भाई हमारा पूरा पीजी देखते हैं ऊपर से नीचे तक, पूरा ख्याल रखते हैं हम सबका। सो अब इंतज़ार करते हैं 2 घंटे, तब तक तो कुछ ना कुछ कर ही लूँगा मैं, तो मिलते हैं। तो गाइस फाइनली अपना लैपटॉप ऑन हो चुका है, शाम के 4 बजे से ऑन करने लगाया था, एंड फाइनली अब 10:35 हो रहे हैं रात के और लैपटॉप ऑन हो चुका है। एंड अब मैं जिस गाने की बात कर रहा था उसका नाम है पेनफुल वेदर बाई एमसी इनसेन। भाई ये गाना मुझे कैसे मिला उसकी बहुत अलग स्टोरी है, वो छोड़ दो, लेकिन भाई क्या बताऊँ क्या गाना है, मतलब मैं आपको सुनाता हूँ ठीक है। पहला मतलब जो पहली लाइक म्यूज़िक आता है ना 10 सेकेंड का, वही आपको बता देगा कि भाई गाना कैसा है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं, कैप्शन ऑन कर दिए लिरिक्स के साथ ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। भाई ने सबसे पहले जो सिगरेट जलाई वो सिगरेट नहीं है भाई, वो जॉइंट है। तो बहुत तगड़ा गाना है, मैंने तो भाई बहुत बार सुन चुका हूँ, दिन में कम से कम 20 बार मैं ये गाना सुनता हूँ। तो अलग ही फीलिंग है, अलग ही मतलब दिल को टच हो जाते हैं, वो वाली बात है बस इसमें। ये गम नहीं कि मुझे कोई संभाल ना सका, ये मुझे पता था मैं किसी का भी हो ना पाऊंगा, टुकड़ा दिया। पहली लाइन सुनी आपने, ये गम नहीं मुझे कि कोई मुझे संभाल ना सका, ये मुझे पता था कि मैं किसी का हो ना पाऊंगा। दोबारा सुनते हैं एक बार दोबारा। हाँ यहाँ से
ये गम नहीं कि मुझे कोई संभाल ना सका, ये मुझे पता था मैं किसी का भी हो ना पाऊंगा। ठुकरा दिया है सबको मैंने बस तेरे लिए, तो मेरी हो ना हो मैं फिर भी तेरा होना चाहूंगा। ये लाइन आशिकों के लिए भाई कि तू मेरी हो ना हो पर फिर भी मैं तेरा होना चाहूंगा। ये जो जिनको धोखा मिल जाता है कुछ भी हो जाता है, मेरे ही जैसे कह लो यार, क्या बोलूँ कि लड़की छोड़ गई लेकिन चाहिए वही, बस वो वाला हिसाब है कि तू मेरी हो ना हो फिर भी मैं तेरा होना चाहूंगा, ये बोला इन्हें। सारे कहते कि वो लड़की बहुत खुश नसीब है कि उसे तेरे जैसा लड़का मिला प्यार करने वाला। क्या कहूँ मैं इनसे कि ये है अधूरा प्यार, जिसमें वो नहीं बस मैं अकेला प्यार करने वाला। वन साइडेड लव की बात चल रही है। इसके दोस्त इससे कहते हैं कि भाई तू वो लड़की बहुत खुश नसीब है कि उस लड़की को तेरे जैसा लड़का मिला प्यार करने वाला, बट यहाँ पे अब वो बता रहा है कि भाई अधूरा प्यार करने वाला सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं है, क्या फायदा ऐसी खुश नसीबी का। कोई मुझसे कहता थोड़ा खुश रहना सीख, अपने बीते हुए कल से थोड़ा दूर रहना सीख, मेरा दिल बोले मुझसे थोड़ा चुप रहना सीख, यहाँ जो भी बोला खुल के उसका बनता है मजाक। सिर पे भारी लग रहा है मुझे कांटों का ये ताज, मेरी माँ है परेशान क्यों मैं हूँ सबके खिलाफ। ये मेरी मम्मी मुझसे परेशान है, शाउट आउट टू मम्मी। मेरी मम्मी मुझसे बहुत परेशान है क्योंकि मैं एकदम घर वालों की बात नहीं मानता, एकदम अलग ही चलता हूँ। बट आप सबको आपके घर वालों की बात माननी चाहिए, मैं भी मानता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जगह नहीं मानता हूँ, एग्री नहीं करता हूँ। एंड लेट्स कंटिन्यू। मैं मेंटली हूँ खत्म, इसका ना कोई इलाज, ये लोग अपने कल के लिए मेरा चला रहे आज। मैं खो जाऊंगा अगर मुझे ढूंढेगा कौन, संघर्ष से हुआ या अब सुकून देगा कौन। ख्याल हुआ सादा और ताकत ना हो मुझ में, अगर खून की जरूरत होगी खून देगा कौन। मुझे देर से पता चला कोई अपना है नहीं, ऊपर झूठी हंसी रख के अंदर दबना है नहीं। अब ये दोस्तों की बात पे आ गया कि भाई मुझे देर से पता चला कोई अपना है नहीं, ऊपर झूठी हंसी रख के दबना है नहीं। अब आगे सुनते क्या बोलता है। तेरी तरह तुझे कैसे भूल जाऊंगा, हकीकत है तू मेरी, मेरा सपना है नहीं। मेरे दूर रहने से खुश मेरी फैमिली, क्योंकि मुझसे तो उन लोगों को बस चिंताएं मिली। सेम मेरे घर वाले मुझसे कहते हैं भाई वापस आकर मत आइयो। जो बात है भाई, कुछ भी बोलता हूँ घर पे मुझ पे रहता नहीं है काबू, घर पे रोते रोते कहते सबके शांत हो जा बाबू। मुझे बोल भी नहीं पाते बेटा घर से चले जा तू, मेरी हरकतें हैं पागल जैसे मुझ पे काला जादू। कभी प्यार से मैं सबको अपने हाथ से खिला दूं, कभी होता है कुछ ऐसा खुद की थाली पलटा दूं। ऐसा नहीं था मैं ये सब अचानक हो गया, मैं मेरे परिवार के लिए भयानक हो गया। ये जो इसने बात कही ना, ऐसा नहीं था मैं अचानक हो गया, मेरे परिवार के लिए मैं भयानक हो गया, मतलब ये यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है कि डिप्रेशन में ये मतलब एक टाइम था कितना अच्छा हुआ करता था और अब कितना परेशान रह रहा है, जिसकी वजह से घर वाले भी परेशान हो चुके हैं। ऊपर वाला सबको सबके हिस्से का देता है, तो मुझसे है नाराज मेरा दायक हो गया। मेरे सामने बैठे काफी लोग, मेरा मन नहीं मैं किसी से कोई बात करूं, हुआ मैं पागल मैं साइको जो चाहती नहीं मुझे, मैं हर पल क्यों से ही याद करूं। मुझे बनना नहीं है बॉस, नहीं चलाने मुझे लोग, मुझे आ रहा है क्रोध, नहीं बनाने मुझे दोस्त है पहुंचाने वाले ठेस, ये खबर मिली है ठोस, सबर मिले तो खोज या कब्र में जाके सोच। पहले हक था मेरा जिन पे अब वो हक बदल गए, जैसे जैसे बीते वक्त हर एक लफ्ज बदल गए। वो कह रहे थे कि मुझे बचाना उनका फर्ज, जैसे जैसे बीते वक्त हर एक फर्ज बदल गए। मैं भी वही जो बर्बाद हुआ टीनेज में, मैं भी गरीब घर का लड़का आया विलेज से, सहारा देने वाले भी शहर में मिले थे, घर के मालिक की गाली सुन के भी जी रहे थे। कितने कहते मेहनती, कितने कहते आवारा हूँ, मुझे नहीं इनसे सहमति, कितने कहते। अब यहाँ पे उन लोगों की बात कर रहे हैं जो इसको मेहनती कहते हैं, आवारा कहते हैं, और मतलब ये कहता है कि मुझे उनसे सहमति नहीं है, और कितने बेचारा भी कहते हैं। आगे सुनते हैं भाई अपनी, अब लोगों की बता रहा है, ये फैमिली हो गई, प्यार हो गया, अब लोगों की बता रहा है, अब लोगों पे आ गया। कितने कहते बेचारा हूँ, कितनों से आगे आया हूँ, मैं कितनों से ज्यादा खा रहा हूँ, ये जानना चाहते इतना ही पर मैं नहीं दिखा रहा हूँ, दिखावा करना अपने लाइफस्टाइल में नहीं। ये वाली लाइन मेरी फेवरेट है, दिखावा करना अपने लाइफस्टाइल में नहीं, मैं इस चीज में बहुत बिलीव करता हूँ, इसलिए थोड़ा शो ऑफ ठीक है, इतना नहीं करता कि जितना है। एक बार ये लाइन सुनते हैं, 10 सेकंड पीछे जाएंगे यहाँ से। हाँ चलो लेट्स स्टार्ट। दिखा रहा हूँ दिखावा करना अपने लाइफस्टाइल में नहीं, फर्स्ट कॉपी तू तू असली माल है नहीं, फर्स्ट कॉपी शू तू असली चाल है नहीं, जवाब तू उस लायक कोई सफल है नहीं मेरा। हाँ भाई, तो मैं जिन लोगों की बातों का जवाब नहीं देता हूँ तो तुम्हारा सवाल उस लायक नहीं है। सारा 3-4 साल है नहीं, करना सीखा भाई का।
भाई ये बहुत अच्छी लाइन बोली यहाँ पे, ये देखो यहाँ से दोबारा सुनो, मैं थोड़ा और पीछे करता हूँ इसे। हाँ, फर्स्ट कॉपी तू तू असली माल है नहीं, ध्यान से सुनना ये वाली लाइन। फर्स्ट कॉपी शू तू असली चाल है नहीं, जवाब तू उस लायक कोई सफल है नहीं, मेरा दौर है ये सारा 3-4 साल है नहीं, मेरा दौर है सारा 3-4 साल है नहीं, ध्यान से, बहुत बहुत डीप लाइन है भाई। करना सीखा भाई का इस्तेमाल है नहीं, मेरे अपने मुझे जहर कभी पीने ना दे, ये बैड मेमोरीज मुझे जीने ना दे, तुम्हारी कसम ऐसी जिंदगी से मौत भली, टूटे चप्पलों में मां मेरी बहुत चली, मैं लाया पैसा रिश्तेदारों की भी बहुत जली, रिश्तेदार की तो ले ली भाई। छोटी सोच रखने वालों करो सोच परी, वो प्यार नहीं है जाना जिसके लिए मांगा भी, मैं कैसे भी रहूंगा पर सबको रखूंगा ठीक, अब मिटा देना ये फासला जो तेरे मेरे बीच, अपना ईगो करके साइड सब कह रहा हूँ। एंड वाली लाइन बहुत ध्यान से सुनना, वो कह रहा है अपना ईगो साइड रख के मैं कह रहा हूँ प्लीज, ऐसी जिंदगी से मौत भली, अब ध्यान से सुनना। मैं लाया पैसा रिश्तेदारों की भी बहुत जली, छोटी सोच रखने वालों करो सोच परी, वो प्यार नहीं है जाना जिसके लिए मांगा भी, मैं कैसे भी रहूंगा पर सबको रखूंगा ठीक, अब मिटा देना ये फासला जो तेरे मेरे बीच, अपना ईगो करके साइड सब कह रहा हूँ। वॉट अ सॉन्ग भाई, मज़ा आ गए, आई होप सो आपको भी पसंद आया होगा भाई। इस गाने को मैं, इस गाने के लिए मैं अपनी वीडियो पे कॉपीराइट लेने के लिए तैयार हूँ, मेरी वीडियो पे कॉपीराइट पड़ जाए कुछ भी हो जाए। और एमसी इंसन भाई अगर कभी भी ये वीडियो देखो, कभी, अभी तो मैं इतना फेमस नहीं, लेकिन जब कभी ये वीडियो देखोगे भाई, भाई आई एम योर बिग फैन, इस गाने ने मुझे तुम्हारा बिगेस्ट फैन बना दिया। और मतलब बेसिकली एक ये लव सॉन्ग था जिसमें दोस्ती, घर परिवार की, मतलब एक लड़का जब प्यार में पड़ता है उसकी वजह से उसके घर वाले परेशान हो जाते हैं, क्योंकि घर वालों की नहीं सुनता है, फिर घर वाले परेशान हो जाते हैं, घर वाले से दूर रहता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। सो वो टाइप का गाना है, आप लोग सुन लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। एंड अब पता नहीं ये वीडियो कितनी बड़ी हो गई है, बट इट इज़ समथिंग न्यू, आई हैव ट्राइड समथिंग न्यू, सो दिस इज़ माई फर्स्ट म्यूज़िक रिएक्शन वीडियो। सो इसके बाद मैं सोच रहा हूँ पॉडकास्ट करेंगे अगर अभिनव भाई मान जाते हैं तो। सो अब ब्लॉग को करते हैं ये एंड, अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और भाई प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय। करके साइड सब कह रहा हूँ।